हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2021 का बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट टू। सो पार्ट वन जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मैंने आप लोगों के साथ पहले 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए। अब ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट है जहाँ हम बाकी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है हमारा B05 का 21 का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे अब हमारा 51 क्वेश्चन है, द साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंसेज एम्फसाइजेस ऑन, द साइंटिफिक मेथड इन सोशल साइंस एम्फसाइज ऑन एम्प्रिसिज्म। ए जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा एम्प्रिसिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गलवान वैली इज इन, गलवान वैली कहाँ है, गलवान वैली ईस्टर्न लद्दाख में। सो डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। गलवान वैली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चाइना और इंडिया का क्या चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लास्ट ईयर भी और अभी भी चल रहा है। तो गलवान वैली जो है ये ईस्टर्न लद्दाख में, और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है गलवान वैली में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डोकलाम मिलिट्री फेस ऑफ हैपन बिटवीन, डोकलाम मिलिट्री फेस ऑफ कहाँ हो रहा है, इंडिया एंड चाइना। सो बी जो है ये राइट आंसर है हमारा, इंडिया एंड चाइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, LOC इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन, LOC जो है एक कौन सी बॉर्डर लाइन है, कौन सी दो कंट्री के बीच में है, तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसे कहते हैं LOC। तो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। और 55th क्वेश्चन हमारे पास है, सो विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जो ये केस का नाम है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, केस पर्टेन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो ये किस किस चीज़ से रिलेटेड था, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। सो डी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द नोशन ऑफ डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये नोशन जो है किसका है, ये अमर्त्य सेन का है। डी जो है हमारे पास राइट आंसर है, अमर्त्य सेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, कौन अपॉइंट करता है किसका चेयरमैन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो है चेयरमैन वो कौन अपॉइंट करता है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो डी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे जो है हमारे पास 58th क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सर्टेन मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर प्रैक्टिस्ड, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सर्टेन मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर प्रैक्टिस्ड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड। बी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट ईयर का पेपर जब डिस्कस कर रही थी तब भी बताया था। तो चिपको मूवमेंट के से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ डिस्कस किया था कि जो इसके वो थे लीडर वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा एसोसिएट विद चिपको मूवमेंट, तो मैंने आपसे कहा था कि चिपको मूवमेंट से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे 21 में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया है। और चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था उत्तराखंड में स्टार्ट, और ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज यूज, सॉरी रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट्स फॉर रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज अनलॉफुली डिटेन। सो द राइट आंसर इज हैबियस कॉर्पस। सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट जो इशू किया जाता है, कोर्ट इशू करता है किसके रिलीज़ के लिए, उस पर्सन को रिलीज़ करने के लिए जिसे अनलॉफुल डिटेन किया गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट द राइट आंसर इज आर्टिकल ऑफ हमारे आर्टिकल्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी से रिलेटेड, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटेड विद, जो स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे बोला जाता है, ये क्या जो ये किसे एसोसिएट करता है, या फिर ये स्टैचू जो ये किसकी है,
तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। डी जो होगा हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटेड विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन सा नहीं है यहाँ पे पूछे इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे क्या राइट आंसर है हमारा टू प्रोवाइड अफर्मेटिव एक्शन। तो ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। बाकी यहाँ पे जो है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से गोल्स हैं। कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि एग्ज़ाम में कि यूनाइटेड नेशंस का जो है SDG कौन कौन सा है। सो यहाँ पे एंड पावर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, पावर्टी ख़त्म करना पूरी तरीके से हर जगह से। सो ये जो है ये क्या है यूनाइटेड नेशंस का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देन अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए और गर्ल्स को एंड वीमेन को एम्पावर करना है, ये यूनाइटेड नेशंस का जो है SDG है। देन टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं और जो भी जो एनवायरमेंटल जो हमारा एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है जिस वजह से, तो उन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेना लॉज बनाना ये क्या है ये भी SDG का पार्ट है यूनाइटेड नेशंस के। बट टू प्रोवाइड अफर्मेटिव एक्शन ये जो है ये SDG का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा था कि इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द UN। सो ये नहीं है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक है इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है अरुंधति रॉय। सो डी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है अरुंधति रॉय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुंधति रॉय से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनकी बुक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सचर कमेटी ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे पूछा है कौन जो पार्ट नहीं थे। हु अमंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सचर कमेटी। सचर कमेटी के जो है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं थे, उमन चैंडी जो है ये सचर कमेटी के पार्ट नहीं थे। अब कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि सचर कमेटी किस चीज़ से रिलेट करता है, किस चीज़ से एसोशिएट करता है, तो ये क्या था ये सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस जो है मुस्लिम्स का इंडिया में, ये इस चीज़ के लिए कमेटी बनाई गई थी। और इसके मेंबर कौन कौन थे, श्री सैयद हामिद, DR डॉक्टर TK ओमन और अबू साले, ये सब जो हैं अबू साले शरीफ, ये जो हैं ये तीनों सचर कमेटी के मेंबर थे। तो आपको मेंबर्स यहाँ से पता होने चाहिए और सचर कमेटी किस लिए थी ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है सचर कमेटी से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 66 से 70 जो है वो टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 66 से 70 के बीच में जो है मतलब ये चार क्वेश्चंस हैं इनमें क्या है दो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलोड बाय टू कॉन्क्लूजन्स। दो कॉन्क्लूजन दिए हैं और दो स्टेटमेंट दी गई है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यू हैव टू टेक द टू स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ द सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। रीड द कॉन्क्लूजन्स एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कॉन्क्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन टू स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द नोन फैक्ट्स गिव आंसर। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में हम बताना है कि 66 से जो 70 तक के जो ये चार क्वेश्चंस हैं उनमें कौन सा इफ़ ओनली कॉन्क्लूजन वन फॉलोज या फिर इफ़ ओनली कॉन्क्लूजन टू फॉलोज या फिर इफ़ बोथ कॉन्क्लूजन वन एंड टू फॉलो इफ़ नन ऑफ द कॉन्क्लूजन फॉलो। तो यहाँ से हमने आंसर बताने और बाकी जो क्वेश्चंस में जो है वो क्या है वो यहाँ पे हमें बताया गया है स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सम मैन आर ग्रेट सम मैन आर वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है दो स्टेटमेंट दी गई है सम मैन आर ग्रेट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है सम मैन आर वाइज। और इसमें कॉन्क्लूजन क्या दिया गया है कि मैन आर ईदर ग्रेट और वाइज, और सेकेंड क्या दिया गया सम मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज। सो अब यहाँ पे इन दो कॉन्क्लूजन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 66 का वो क्या आंसर होगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर है
इफ़ नन ऑफ द कॉन्क्लूजन फॉलोज। तो यहाँ पे जो हमारे पास डी है ये 66 का हमारे पास ये राइट आंसर होगा, इफ़ नन ऑफ द कॉन्क्लूजन फॉलोज। यहाँ पे जो कॉन्क्लूजन दी है दोनों कॉन्क्लूजन जो है इनमें से कोई भी कॉन्क्लूजन ठीक नहीं है। अब सेकेंड जो है 67 का स्टेटमेंट्स एंड कॉन्क्लूजन क्या है, स्टेटमेंट्स तो जो है वो है ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट है सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स। देन इसका कॉन्क्लूजन क्या दिया है, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज एक्टर्स एंड सेकेंड कॉन्क्लूजन है ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स। तो यहाँ जो स्टेटमेंट्स एंड कॉन्क्लूजन है इसके बेस्ड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा, ऑप्शन डी, इफ़ नन ऑफ द कॉन्क्लूजन फॉलो। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। तो 68 में जो यहाँ पे हमें दिया है स्टेटमेंट दिए ऑल सेटर्स आर गुड स्विमर्स देन ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये स्टेटमेंट्स दिए ऑल सेटर्स आर गुड स्विमर्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स और कॉन्क्लूजन क्या दिया है, सम रनर्स आर स्केटर्स एंड सम स्केटर्स आर गुड स्विमर्स। अब इसके कॉन्क्लूजन के अकॉर्डिंग जो 68 का जो आंसर है हमारा वो क्या होगा, वो होगा सी, ऑप्शन सी, इफ़ बोथ कॉन्क्लूजन वन एंड टू फॉलो। सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे 69th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट हमारे पास है सम बसेस आर, दो स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी, सम बसेस आर फोर व्हीलर्स ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है कि सारी बसेज जो हैं कुछ बसेज जो हैं वो फोर व्हीलर्स है देन ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन्स। अब बताया गया सेकेंड स्टेटमेंट में कि सारे फोर व्हीलर्स क्या हैं, वैन्स है। अब इसका कॉन्क्लूजन दिया है कि सम वैन्स आर बसेज, कुछ वैन्स जो हैं वो बसेज हैं देन सेकेंड कॉन्क्लूजन दिया सम बसेज आर वैन्स। अब इसके कॉन्क्लूजन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 69 का वो क्या होगा, ऑप्शन बी, इफ़ ओनली कॉन्क्लूजन टू फॉलोज, तो सिर्फ सेकेंड कॉन्क्लूजन है वो क्या है, वो राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास वो क्या है, ऑल क्रोज आर बर्ड्स ऑल पीकॉक्स आर क्रॉस। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जितने भी क्रोज हैं वो सारे बर्ड्स हैं देन सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि सारे पीकॉक्स जो हैं वो क्या हैं, वो क्रोज हैं। अब कॉन्क्लूजन क्या है यहाँ पे, ऑल पीकॉक्स आर बर्ड्स, सारे पीकॉक्स जो हैं वो बर्ड हैं एंड सेकेंड जो है कॉन्क्लूजन वो क्या है, ऑल बर्ड्स आर पीकॉक्स। अब सारी बर्ड्स क्या है यहाँ पे बोला गया है कि पीकॉक्स। अब यहाँ पे कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट के बेस पे जो हमारा 70 का राइट आंसर है वो क्या है, 70 का राइट आंसर हमारा होगा इफ़ ओनली कॉन्क्लूजन वन फॉलोज, जो सिर्फ कॉन्क्लूजन वन है वो क्या है, राइट है। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है 71th क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है हमने, 71 से 75 क्वेश्चन नंबर 71 to 75, इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू एजम्पशन, एन एजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। सो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे आंसर्स दिए हैं और जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था वैसे यहाँ पे भी डिस्कस करना है, इफ़ ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, इफ़ ओनली एजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट, इफ़ नीदर एजम्पशन वन नॉर टू इज इम्प्लिसिट देन इफ़ बोथ एजम्पशन वन एंड टू आर इम्प्लिसिट। तो ये चारों जो हैं ये ऑप्शन हैं, इन्हीं में से आंसर होगा और जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है ऐसे ही यहाँ पे भी आंसर्स होंगे। अब ये स्टेटमेंट्स हैं एंड यहाँ पे अजम्पशन है। अब 71th जो है हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड एन इंसेंटिव पैकेज फॉर सेटिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर्स इन द रूरल एरियाज एंड प्रॉमिस्ड अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई टू द ऑल यूनिट्स। ये क्या, ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे अजम्पशन जो है ये क्या दी गई है, द गवर्नमेंट मे बी एबल टू सप्लाई एडिक्वेट पावर टू ऑल सच यूनिट्स एंड एजम्पशन टू जो है वो क्या है, पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज मे वेलकम द गवर्नमेंट डिसीजन। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इफ़ बोथ एजम्पशन वन एंड टू आर इम्प्लिसिट। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब नेक्स्ट है 72। अब 72 में
यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, द म्युनिसिपल अथॉरिटी ब्लॉक्ड मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन एंड अराउंड द टेम्पल ऑन द मेन फेस्टिवल। अब इसका एजम्पशन क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज मे विजिट द टेम्पल ऑन द मेन फेस्टिवल डे, देन पीपल ट्रेवलिंग टू द एरियाज नियर द टेम्पल मे पोस्टपोन देयर जर्नी बाय अ डे अनलेस दे हैव अ वेरी अर्जेंट वर्क इन द एरियाज। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो 72 का हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो भी होगा ऑप्शन डी, इफ़ बोथ एजम्पशन 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। सो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारे पास राइट आंसर है 72 का। अब नेक्स्ट है हमारे पास 73 क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल द प्राइवेट स्कूल्स इन द सिटी टू मेंटेन द करंट फीस फॉर एटलीस्ट 2 more years। अब ये स्टेटमेंट के जो दो अजम्पशन दिए हैं वो क्या है, फर्स्ट अजम्पशन है द अथॉरिटीज़ ऑफ प्राइवेट स्कूल्स मे नॉट फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस एज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फंड्स। यस, ये वाला अजम्पशन जो है ये भी हो सकता है इम्प्लिसिट। देन सेकेंड क्या है, द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ द सिटी मे स्टिल बी ईगर टू पे हायर फीस। सो एजम्पशन 2 जो है ये भी क्या है, ये भी इम्प्लिसिट हो सकता है। सो यहाँ पे जो हमारा 73 का राइट आंसर होगा एजम्पशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, वो भी ऑप्शन डी होगा, इफ़ बोथ एजम्पशन 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th, सो 74th जो है हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे द म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू डेमोलिश द ओल्ड ब्रिज ऑन अ बस रोड फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू फ्लाईओवर। अब इसके एजम्पशन क्या है, द ट्रैफिक डिपार्टमेंट मे बी एबल टू डाइवर्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑल्टरनेट रोड्स, एंड सेकेंड क्या है, द पीपल ट्रेवलिंग इन द नियर बाई एरियाज मे डेमोन्स्ट्रेट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटीज डिसीजन। अब इसका जो है इसके अजम्पशन के अकॉर्डिंग 74th का जो आंसर है वो क्या है, 74th का जो आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन ए, इफ ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। सिर्फ जो है जो फर्स्ट एजम्पशन है वो क्या हो सकती है, वो इम्प्लिसिट हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 75th, तो 75th की स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रिच पीपल आर मोर प्रोन टू हैव हार्ट अटैक्स। अब इसकी एजम्पशन क्या है, मोस्ट ऑफ द डेथ्स अमंग रिच पीपल आर ड्यू टू हार्ट अटैक्स। फर्स्ट जो है ये भी इम्प्लिसिट हो सकता है। देन सेकंड क्या है, पुअर पीपल डोंट हैव हार्ट अटैक्स। अब सेकंड जो है ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम बिलो टू करेक्ट इट, बाइबल सेज दैट द सन गज अराउंड द अर्थ। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द बाइबल सेज दैट द सन गज राउंड द अर्थ। सो यहाँ पे क्या है, ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट जो है स्पॉट द एरर, यहाँ पे भी एरर बताने हैं। सो ये जो है हमारा ये क्या होगा, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन, बोलो ताजमहल इज सिचुएटेड एट द आगरा। सो यहाँ पे क्या होगा, द नहीं आएगा, ये क्या होगा राइट आंसर, द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा। यहाँ पे एट के बाद द नहीं आएगा, सो सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब 78th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें वर्ब बताना है, करेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब को करेक्ट करना है, इफ़ एनीथिंग गो रॉन्ग आई विल बी ब्लेम्ड। सो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे गो नहीं आएगा, यहाँ पे गो की जगह क्या आएगा, गज। इफ एनीथिंग गज रॉन्ग आई विल बी ब्लेम्ड। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, इफ एनीथिंग गज रॉन्ग, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब टेंस को करेक्ट करना है यहाँ पे, सो द बॉय फॉल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग। अब यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमने ये टेंस जो है हमें पता है पास्ट टेंस है, तो हमें ये करेक्ट करना है क्या, अब यहाँ पे द बॉय
फॉल यूज हुआ है, तो फॉल जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फॉल का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, सो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 80 जो है ये हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, अ गर्ल वेंट पास्ट दैम ऑन अ बाइक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेपोजिशन बतानी है, हमें करेक्ट करनी है प्रेपोजिशन। अ गर्ल वेंट, सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, अ गर्ल वेंट ऑफ दैम ऑन अ बाइक। सो ऑप्शन ए जो है ये क्या है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एम्फसाइजिंग एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, योर एक्सक्यूजेस आर कम्प्लीटली अनबिलीवेबल। सो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, ये होगा कम्प्लीटली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82 हमारे पास है, फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कलेक्टिव नाउन इनमें से कौन सा है सेंटेंस में, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो कलेक्टिव नाउन है कैटल, जो बी जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा कैटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब इनमें से फ्रेजल वर्ब कौन सा है सेंटेंस में, द थीव्स होप्ड टू गेट अवे विद द क्राइम, सो गेट अवे जो है ये हमारे पास राइट आंसर होगा, फ्रेजल वर्ब कौन सा है सेंटेंस में, गेट अवे, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मोडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यू कुड आस्क योर डैड टू हेल्प अस, अब इनमें से मोडल कौन सा है, सो कुड जो है वो क्या है, वो मोडल है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ग्रैंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सो रनिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट, अब इनमें से क्या राइट आंसर है हमारे पास क्या सेंटेंस में, सो यहाँ पे जो है रनिंग इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द क्वांटिफाइंग डिटरमाइन इन द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डज द टीचर गिव यू द मच होमवर्क, अब यहाँ पे क्या होगा, मच जो है राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, मोस्ट डिफिकल्ट, सो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट डिफिकल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेन इज माइन इन दिस सेंटेंस, द वर्ड माइन इज पॉसेसिव प्रोनाउन, सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा पॉसेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई लिव इन अ हाउस बाय द सेड सना, सो यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने सेंटेंस में ढूंढनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सना सेड दैट आई लिव्ड इन अ हाउस बाय द सी, सो यहाँ पे जो है यहाँ पे डी हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कल्पना चावला डाइड ड्यूरिंग हर ट्रेवल इन स्पेस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वो है कल्पना चावला, सो कल्पना चावला इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल रोड्स लीड टू हैप्पीनेस, तो प्रीडिकेट क्या है सेंटेंस में, लीड टू हैप्पीनेस, सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनिम ऑफ सॉलिडेरिटी इज, सॉलिडेरिटी का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, एफिनिटी, सी जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा, एफिनिटी। 93 क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ फ्रीडम इज, एंटोनिम फ्रीडम का एंटोनिम क्या होता है, फ्रीडम का एंटोनिम होता है सब्जेक्शन, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सब्जेक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इज अ होमोनिम, होमोनिम द राइट आंसर इज, होमोनिम्स क्या होते हैं, जो प्रोनंसिएशन जो होती है वर्ड्स की वो क्या होती है, वो सेम होती है, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, सो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, रूट एंड रूट, सो रूट जो है दोनों की प्रोनंसिएशन क्या है, सेम है, बट दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है एंड दोनों के मीनिंग्स भी क्या है, डिफरेंट है।
ये रूट क्या हो गया, ये रूट हो गया रास्ता, एंड ये रूट क्या हो गई जड़। बट दोनों को जब प्रोनाउंस करते हैं तो दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन है रूट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डाउन टू अर्थ इज, डाउन टू अर्थ मतलब प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल जो होगा यहाँ पे ये क्या है हमारा राइट आंसर है, डाउन टू अर्थ फ्रेज जो है इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल, सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब पावर्टी इज नो सिन इज, सो ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अ पर्सन शुड नॉट बी रिगार्डेड एज इन्फीरियर और कल्पेबल सिंपली बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। सो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ये हमारे पास राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीच अ मैन टू फिश, सो यहाँ पे इसका जो टीच अ मैन टू फिश इसका क्या मतलब है, टीचिंग समवन हाउ टू डू समथिंग इज मोर हेल्पफुल टू देम इन द लॉन्ग रन देन जस्ट डूइंग इट फॉर देम। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिप्सिस मार्क इन पंक्चुएशन इज यूज, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू इंडिकेट अ फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज रिटन और सेड इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी द ट्रूथ इज इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, सो ए जो होगा हमारे पास ये राइट आंसर होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, इनमें से जो है पैराग्राफ राइटिंग का एलिमेंट कौन सा नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डायलॉग, डायलॉग इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।